हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीता किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोफू विद कैप्सिकम। आइए चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम टोफू, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 शिमला मिर्च, जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। 2 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने लंबा लंबा काट रखा है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी हींग लिए। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला लिया है। स्वाद के अनुसार नमक लिया है। 2 कलियां लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले इसमें मैं हींग डालूंगी। अदरक लहसुन, अदरक लहसुन हल्का सा गोल्डन हो गया है। और इसमें प्याज डाल देंगे और इसको गुलाब होने को भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये प्याज मेरी बिल्कुल से गुलाबी हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से 2-3 मिनट भून लेंगे। इसके लिए हमें फ्लेम मीडियम रखनी है। टमाटर हमारे पक गए हैं, इसे हम 2-3 मिनट भून लिए हैं। और इसके अंदर हम शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। अब ये शिमला मिर्च भी हमने 2-3 मिनट भून लिए हैं। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना पसंद करते हैं उतना डालिएगा। अब इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। इसको हम अच्छी तरह से 2-3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। इसके लिए हमें फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, जिससे कि शिमला मिर्च भी हमारी पक जाएगी और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। अब मैंने इनको 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच पानी ऐड कर दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। और इसके अंदर अब हम टोफू ऐड करेंगे। ये सोयाबीन का पनीर होता है, इसे सुपरमार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी सुपरमार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्दी है। आप किसी भी समय से आसानी से बना के खा सकते हैं। आप इसे अपने बच्चों को बना के खिलाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसे मैं 2-3 मिनट सिम फ्लेम से पका लूँगी। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मसाला अच्छे से इसके अंदर टोफू के अंदर मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम सब्जी मसाला ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ी सी फ्लेम को तेज करके अच्छे से भून लेंगे, 1 मिनट भून लेंगे। इससे मसाला भी इसमें और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये टोफू विद शिमला मिर्च की सब्जी बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसे बोल में निकाल लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं टोफू विद शिमला मिर्च बन के तैयार है।
अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।